मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। न्यूबॉर्न बेबीज को इनिशियल मंथ्स में 18 से 22 घंटे सोना चाहिए। नींद उनके ब्रेन और उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हाउएवर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे दिन देखने के लिए स्ट्रगल करते हैं जहां उनके बच्चे इतना सो रहे हों या एक कंफर्टेबल स्लीप ले रहे हों। फॉर्चुनेटली मेरे दोनों ही बच्चों के केस में शुरू से ही नींद की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दोनों बच्चे दिन में भी और रात को भी काफ़ी अच्छा सोते रहे हैं, बट इसको अचीव करने के लिए हमने भी बहुत मेहनत करी है। हमने बेबी स्लीप के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, जिससे हमें ये पता चला कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का पेट भरा हुआ हो, उसका डाइपर फ्रेश हो, उसके क्लोथ्स कंफर्टेबल हों, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को शुरू के महीनों में एक वूम्ब लाइक एनवायरनमेंट दें। यानी जैसा बच्चा आपके पेट के अंदर फील करता था, उसी तरीके का एनवायरनमेंट उसे बाहर भी मिले, जिससे उसको एंजाइटी ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो और डिस्कम्फर्ट ना हो। क्योंकि जहाँ बच्चे को एंजाइटी और इनसिक्योरिटी होगा, वहीं पे बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करेगा, ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा होल्ड करने की डिमांड करेगा और अच्छी नींद भी नहीं ले पाएगा। सो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बेबी स्लीप टिप्स आपको देने से पहले मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ जिसे स्पेसिफिकली बेटर बेबी स्लीप प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये है नेज़ो बडी बेबी स्लीप हेल्पर किट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है तीन प्रोडक्ट्स का, जो बेबी को काम करता है, कंफर्टेबल करता है और स्लीप को भी प्रमोट करता है। सो सबसे पहले है ये बेबी शशर। ये बेसिकली एक वाइट नॉइस मशीन है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड जो है, ये बहुत सिमिलर साउंड है टू व्हाट योर बेबी हियर्स इन द वूम। आपके बेबी को वूम में भी काफ़ी तेज साउंड्स सुनाई देती हैं और एक रिदमिक साउंड सुनाई देती है, जिससे बेबीज बेटर सोते हैं। वाइट नॉइज मशीन्स हर जगह बहुत ही पॉपुलर हैं और इन्हें माना गया है टू प्रमोट बेटर बेबी स्लीप। दूसरा प्रोडक्ट इस किट में है बेबी लैवेंडर बाम, जिसे दो एसेंशियल ऑयल से बनाया गया है, लैवेंडर ऑयल एंड कैमोमाइल ऑयल। ये दोनों ही प्रोवन है टू प्रमोट स्लीप नेचुरली और दोनों ही बेबी सेफ हैं। और तीसरा है ये कॉलिक स्वाडल बेल्ट। कॉलिक का नाम सुनते ही पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। कॉलिक लंबा टाइम चलता है, जिन बच्चों को होता है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। स्पेशली शाम का टाइम बच्चों के लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी को ध्यान में रख के ये कॉलिक स्वाडल बेल्ट डिज़ाइन करी गई है, जिसको आप बेबी की बेली पर रैप करते हो और ये कॉलिक पेन से बेबी को ईज करता है, कम्फर्ट देता है, जिससे कि बेबी आराम से सो पाता है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप अपने डेली रूटीन में लेके आइए और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपका बेबी एक अच्छी स्लीप लेने लग जाएगा। सो सबसे पहले आप बेबी का बेड टाइम रूटीन स्टार्ट कीजिए एक मसाज को इंक्लूड करके। काफ़ी लोग बाथ देना भी प्रेफर करते हैं, बट अगर आप बाथ नहीं दे सकते, आप सिर्फ मसाज दे सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। मसाज के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए, मसाज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। पूरे दिन की पेन बच्चे की निकलती है और रात को बच्चा बहुत आसानी से सोता है। जस्ट बिफोर एंडिंग द मसाज आप ये बेबी लैवेंडर बाम लीजिए और इसको थोड़ा सा लेके, डिपेंडिंग ऑन आपके बेबी की क्या एज है, उसकी चेस्ट पे और उसकी बैक पे रब कर दीजिए। इससे बच्चे को एक बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट मिलेगा और बेबी आराम से सोएगा। ये बाम स्पेशली उन दिनों में बहुत हेल्प करेगा जब बच्चे बीमार होते हैं, वैक्सीनेशन के दिन होते हैं, टीदिंग के दिन होते हैं, जनरली बच्चे को कोई पेन हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टिम्युलेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर ये बेबीज़ को काफ़ी काम कर देता है। ओके, अच्छी मसाज देने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेबी को फ्रेश कर देना। तो एक फ्रेश डाइपर पहनाइए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाइए, वेदर के अकॉर्डिंगली, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए बेबी के लिए। आपने जो लेयर पहनी है उससे एक लेयर ऊपर आप बेबी को पहनाइए। रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपके वहाँ पर गर्मी है तो मेक श्योर कि एसी थोड़ा इस रेंज में हो। अगर आपके वहाँ पर ठंड है तो आप हीटर का यूज़ करके इस रेंज में अपने रूम के टेम्परेचर को ले आइए। इसके बाद आप रूम को डार्क कर दीजिए, बिकॉज याद रखिए कि जब बेबी आपके पेट में होता है तो वहाँ कोई लाइट नहीं होती और उसको एक्चुअल में डार्कनेस की आदत होती है। सो स्लीप के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि उसको एक डार्क एनवायरनमेंट मिले। एंड नाउ व्हेन एवरीथिंग इज सेट, आप ये बेबी शशर ऑन कर दीजिए। इस
मशीन को आप बेबी के कान से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखिए। साउंड सुनने पे घबराइएगा नहीं, इसका साउंड 50 डेसिबल्स से कम है, विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ एज पर द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। आपको शायद सुन के इनिशियली साउंड थोड़ा ज़्यादा लगे, बट गाइज जब बेबी आपके पेट में होता है तब उसको लाउड साउंड्स की आदत होती है, जो भी ब्लड फ्लो उसके आसपास हो रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है। तो इसको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। आप इसे ऑन कीजिए, सो टिपिकली 2 to 15 मिनट्स के बीच में बेबी काम हो जाता है एंड स्लीप मोड में आने लग जाता है। हाँ, अगर आपका बेबी उस टाइम पे रो रहा है फॉर एनी रीजन, तो आप इस मशीन का जो साउंड लेवल है उसे उतना इंक्रीज कीजिए जितना बेबी की क्राइंग वॉल्यूम है। तो आप बेसिकली बेबी की क्राइंग वॉल्यूम को मैच करेंगे, जैसे कि हम लोग करते भी हैं जब बेबी रो रहा होता है तो हम करते हैं, हम भी अपने शश साउंड को बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे शश साउंड से बेबी को कामिंग इफेक्ट मिलना चाहिए। ऐसे ही आप इस मशीन के साउंड को बढ़ाइए, वंस बेबी काम्स डाउन तो आप इस साउंड को कम कर दीजिए। मुझे ये मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट आगे जाके जब हम बेबी को स्लीप ट्रेनिंग देते हैं तो इंडिपेंडेंट स्लीप ट्रेनिंग के लिए ये बहुत काम आता है। आप बेबी की कॉट में उसके पास इसे लगा दें तो बच्चों को आदत हो जाती है, वो इसको सुनते सुनते ही ऑटोमेटिकली सो जाते हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट थिंग। सो दैट्स इट, योर बेबी इज़ नाउ ऑफ टू अ कम्फर्टेबल स्लीप। अब आपका बेबी डिपेंडिंग ऑन क्या एज है 2-3 घंटे के बाद फीड के लिए उठेगा, विच इज़ वेरी नेचुरल। नाउ गाइस, जस्ट इन केस आपका बेबी कॉलिक पेन की वजह से नहीं सो पा रहा है, कॉलिक पेन बेसिकली पेट के पास बच्चे को पेन होती है, 20-40% न्यूबॉर्न्स के केस में ये होती है और ये अराउंड 4 मंथ्स पे अपने आप ही खत्म हो जाती है नेचुरली, बट वो शुरू के 3-4 महीने जब ये होता है तो बहुत ही टफ होता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, स्पेशली शाम का टाइम। तो इस कॉलिक बेल्ट को उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसको एक स्पेशलाइज स्ट्रेच फैब्रिक से बनाया गया है और इसमें एक जेल पैक है। इसको यूज कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियरली यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ईजी है। तो बेसिकली आप इस बेल्ट को जिसमें जेल पैक है आप रैप कर देते हो अराउंड द बेबीज टमी और ये जाके गैस और जो भी पेन हो रही होती है उसको रिलीज करता है, उसको ईज आउट करता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि फीडिंग के इमीडिएटली बाद आपको बेल्ट नहीं बांधना है, मिनिमम 15 मिनट्स का गैप देना है ताकि जो फीड है वो आराम से सेटल हो जाए और थोड़ी देर के लिए लगाइए। आप देखेंगे कि जब बच्चे का रोना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसको कंफर्ट हो जाएगा तो आप इसको वहाँ से हटा सकते हैं। आई नो ऑफ सो मेनी पेरेंट्स जो दुनिया की कोई भी रेमेडी ट्राई करेंगे फॉर कॉलिक पेन, बिकॉज कॉलिक इतना ट्रबल्ड टाइम होता है, सो मे बी दिस कुड बी द सॉल्यूशन यू आर लुकिंग फॉर। That's it. Now your baby is off to sleep. 10 मिनट अपनी बेबी को होल्ड कीजिए, बिकॉज डीप स्लीप में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद आप कॉट में या अपने पास बेबी को लिटाइए, फोरहेड पे किस दीजिए एंड लेट द बेबी स्लीप एंड यू ऑल्सो रिलैक्स। गाइज, ये थे बहुत ही सिंपल टिप्स, डू ट्राई इट आउट, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वूम लाइक एनवायरमेंट क्रिएट करते हो तो बच्चों की स्लीप जो है वो बेटर होती है। ऑल्दो मैं साथ में ये भी बोलूँगी कि वेन इट कम्स टू बेबीज, ऐसा नहीं होता कि कोई एक ट्रिक सब बेबीज पे अप्लाई हो जाएगी। हर बेबी डिफरेंट होता है, हर बेबी की प्रॉब्लम अलग होती है और सॉल्यूशन अलग होता है, बट टिपिकली जो बेस रहता है प्रॉब्लम्स का वो यही रहता है कि हम उनको ट्रांजिशन स्मूथली कराएं, हम इंश्योर करें उनका पेट भरा हो, उनका डायपर प्रॉपर हो और बहुत ज़्यादा शोर ना हो जिससे कि वो स्टिम्युलेट हो जाएं और वो अच्छे से सो ना पाएं। तो बेबी स्लीप के ऊपर मैंने काफ़ी और वीडियोस भी किए हुए हैं, आप वो भी जाके देखना। एंड व्हेन इट कम्स टू द नेजो बडी बेबी स्लीप हेल्पर किट, मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन लगा। मुझे लगा कि मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मुझे ये डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज हु नोज दैट दिस कुड बी द सिंपल सॉल्यूशन टू द बिग प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। एंड इफ बेबी स्लीप बेटर देन पेरेंट्स आर डेफिनेटली हैप्पियर। विद दैट आई विल बी साइनिंग ऑफ, प्रोडक्ट लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। थैंक यू सो much for watching MomCom India. Check out the other videos on our channel too. Thank you. Bye-bye.